सेकेंड पार्ट की मना है कि अपन करो की मना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। सो इन्हें दोनों करो का अपना की है एंगल फाइंड करना है। सो फस्ट आप इन्हें दोनों करो का की है पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करा। सो इस कंडीशन नंबर फस्ट लैट करो इस सैकेंड दैन जो फस्ट आप इन्हों दोनों की माइनस करा। देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। सो इन्हें माइनस पुट करा करा आप माइनस सॉल्व करा। सो अपने को आंसर आएगा टू वाई माइनस फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। मीनस इस पूरी कंडीशन चो आप टू कॉमन लवेंगे वाई माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो इस कंडीशन के वाई की वैल्यू फाइंड करा वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर कंडीशन नंबर थर्ड। ओके सो वाई की वैल्यू पुट करा फस्ट कंडीशन कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर पुट इन फस्ट। सो देखो एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस फोर द होल स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्केयर ए माइनस बी स्केयर मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी माइनस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो माइनस ट्वेंटी इन्होंने दोनों के कोएफिशिएंट तो कंबाइन हो गया है माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। सो देखो एक्स स्केयर एंड एक्स स्केयर इन्होंने दोनों कोएफिशिएंट तो कंबाइन हो गया अपना फाइव एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन बिग डिजिट। सो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना फाइव की है कॉमन होगा। ओके सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन के आप फैक्टर बनावेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दैन एक्स इज इक्वल टू वन एंड थ्री। सो एक्स एक पॉइंट है वन एंड थ्री। सो एक्स इज इक्वल टू वन पुट इन थर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई कि एक्स की हेल्प ना आप वाई के पॉइंट फाइंड करांगे। सो देखो टू इंटू वन प्लस फोर सॉरी टू इंटू वन माइनस फोर ओके मीन्स माइनस टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन एंड माइनस टू। अगेन जेकर आप एक्स की वैल्यू थ्री पुट करांगे थर्ड देन वाई इज इक्वल टू इंटू थ्री माइनस फोर मीन्स टू मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने की है थ्री टू। ओके सो पॉइंट आप फाइंड कर चुके हैं हुण इन दोनों पॉइंट के उपर आप एंगल फाइंड करना है। ठीक है तो देखो सॉल्व करेंगे सामने आप कि फस्ट आप करेंगे डेरीवेटिव फस्ट करो डिफरेंशिएट ऑफ फस्ट करो मीन्स टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू फाइंड करांगे टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स। ओके देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स बाय टू वाई। सो इस पूरी कंडीशन टू कॉमन लवेंगे टू माइनस एक्स बाय वाई। सो
ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਵ ਦਾ। ਦੇਖੋ 2x ਪਲੱਸ 2y ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2y ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ 0। ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 2x ਬਾਏ 2y ਮਾਈਨਸ 2। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ y ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੋਰੀ 2 ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕੋਮਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਬਾਏ 1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮ 1 ਐਂਡ ਐਮ 2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਾਈਨਸ 2। ਸੋ ਐਮ 1 ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਫੋਰਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਐਮ 1। ਦੇਖੋ ਐਮ 1 ਮੀਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਸਟ ਕਰਵ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਾਈਨਸ 2। ਸੋ ਮੀਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ ਮਾਈਨਸ 2 ਮੀਨਸ 1 ਬਾਏ ਮਾਈਨਸ 2। ਸੋ ਐਮ 1 ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 2। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਐਮ 2 ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਐਮ 2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਾਈਨਸ 2। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ 1 ਬਾਏ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਮੀਨਸ 1 ਬਾਏ 3। ਓਕੇ, ਐਮ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1 ਬਾਏ 3। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਮ 2 ਬਾਏ 1 ਪਲੱਸ ਐਮ 1 ਇੰਟੂ ਐਮ 2। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਬਾਏ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 3 ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 2 ਇੰਟੂ 1 ਬਾਏ 3। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 5 ਬਾਏ 6 ਬਾਏ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 6। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 5 ਬਾਏ 6 ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਐਲਸੀਅਮ 5 ਬਾਏ 6। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1 ਮੋਡ, ਅਤੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਆਂਸਰ 1। ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਬਾਏ 4, ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਏ 4। ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਇਜ ਇਕਵਲ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਏ 4, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਾਈਨਸ 2, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ 3-2 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ 3-2। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਾਈਨਸ 2 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 3-2 'ਤੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਐਮ 1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 3-2, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਫਰੋਮ ਫੋਰਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ 3-2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਾਈਨਸ 3 ਬਾਏ 2 ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 2।
सो एम टू फाइंड करांगे फ्रॉम कंडीशन नंबर 5 डेरीवेटिव मीन ये अकॉर्डिंग एम वन की वैल्यू अपनी आई है -1/2 एम टू फाइंड करेंगे 0.3/2 कंडीशन नंबर 5 3 -1/3/1 -2 मीन्स -3 मीन एम टू की वैल्यू -3 सो इस फॉर्मूले में पुट करा अपना टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ओके तो देखो सॉल्व करेंगे अपना इसनों -1/2 प्लस 3/1 तो 1 प्लस 3/2। ओके सो इसनों सॉल्व करेंगे अपना बाय एलसीएम 2 एंड -1 प्लस 6 2 प्लस 3/2 तो 2 ना 2 कैंसल तो अपना आंसर की है 5/5 टैन थीटा इक्वल टू 1 मीन्स सेम वही प्रोसेस जो फॉलो किया वैसे टैन थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू 5/4 इज आंसर। ओके।